नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। यदि केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत भी दिए हैं। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती है। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा हैं कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। 23 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.32 प्रति लीटर पर थी। इस पर केंद्र ने क्रमशः 32.98 रुपए लीटर और 31.83 रुपए लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया है। ये तब है जबकि देश में जीएसटी लागू है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तब राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। अब सीतारमण ने ईंधन की कीमतें नीचे लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त सहयोग का आह्वान किया। जीएसटी में ईंधन को शामिल करने का ये असर होगा। अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल किया जाता है तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। यही नहीं, यदि जीएसटी परिषद में कम स्लैब का विकल्प चुना तो कीमतों में कमी आ सकती है। वर्तमान में भारत में 4 प्राथमिक जीएसटी दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जबकि अभी केंद्र व राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100% से ज्यादा टैक्स वसूल रही है। ये सरकार के लिए पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स एक प्रमुख राजस्व आय है। इसलिए जीएसटी काउंसिल पेट्रोल और डीजल को अधिक स्लैब में रख सकती है और यहाँ तक कि इस पर उपकर लगाने की संभावना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र ने सरकारी खजाने में 2,37,338 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसमें से 1,53,281 करोड़ रुपए केंद्र की हिस्सेदारी थी और 84,057 करोड़ रुपए का हिस्सा राज्यों का था। वर्ष 2019-20 में राज्य और केंद्रों के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र में कुल योगदान 5,55,370 करोड़ रुपए था। ये केंद्र के राजस्व का लगभग 18% और राज्यों के राजस्व का 7% था। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार केंद्र को इस वित्त वर्ष में केवल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से अनुमानित 3.46 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने की उम्मीद है। पूरे देश में राजस्थान पेट्रोल पर 36% पर वैट रखते हुए सबसे अधिक कर वसूलता है। इसके बाद तेलंगाना में वैट 35.2% है। पेट्रोल पर 30% से अधिक वैट वाले अन्य राज्यों में कर्नाटक, केरल, असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल है। डीजल पर ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों द्वारा सबसे अधिक वैट दरें ली जाती हैं। अब तक 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, असम और नागालैंड ने इस साल ईंधन पर करों में कटौती की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उत्पादन से जुड़ी इंसेंटिव योजना को फार्मास्यूटिकल उद्योग और आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए मंजूरी दे दी। इस संबंध में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में इस योजना के शानदार परिणाम दिखेंगे। कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर उत्पादों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के लिए भी पीएलआई योजना की मंजूरी दी। इसमें भारत में इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए 4 साल तक 7,350 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके तहत 4 साल में 3.26 लाख करोड़ का उत्पादन और 2.45 लाख करोड़ का निर्यात का अनुमान है। प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने पीएलआई योजना को
फार्मास्यूटिकल्स के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 के लिए अनुमति दे दी है। ये अधिक कीमत के उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और निर्यात बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 23% है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में अब तक मोबाइल फोन और उनके उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी इंसेंटिव योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि इससे 22,500 रोजगार उत्पन्न हुए और करीब 1,300 निवेश आए। प्रसाद ने कहा कि हमें भरोसा है कि PLI के तहत अगले 5 साल में 10,00,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और करीब 8 से 9 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दुनिया के बेहतरीन उत्पादों को भारत के पास लाना और भारतीय उत्पादों को राष्ट्रीय चैंपियन बनाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब निजी बैंक भी सरकारी बैंकों के साथ देश के विकास में बराबर से साथी बनेंगे। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर निजी बैंकों के ऊपर सरकारी कामकाज में हिस्सा लेने पर लगाई रोक को हटा ली है। सरकार के इस कदम के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इस आदेश के बाद सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी भागीदार हो सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के ट्विटर हैंडल से जारी हुए ट्विटर को रीट्वीट कर अपनी टिप्पणी लिखी, जिस उन्होंने लिखा, निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे देश के विकास में बराबर के साथी। निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक हटी, उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएं व सुविधाएं। सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी होंगे भागीदार। DFS इंडिया ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी भारत सरकार की योजना को आम जनता तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि सरकार ने रोक हटा लिया है। इस फैसले के बाद टैक्स पेमेंट और पेंशन पाना आसान हो जाएगा। अब निजी बैंक भी देश के विकास में सरकारी बैंकों जैसी सहभागिता कर सकेंगे। इसके अलावा कस्टमर सर्विस में भी सुधार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ बढ़ रही दुर्व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार अब इससे जुड़े कानूनों को और ज्यादा सख्त और व्यापक बनाने जा रही है। अब न केवल बेटे बेटियों बल्कि गोद ली गई संतानों के अलावा दामाद और बहुओं को भी बुजुर्गों का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। मोदी सरकार के संसद में पेश किए गए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 संशोधन बिल में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। बिल में बुजुर्गों को ये अधिकार दिया गया है कि अपने परिजनों ने के अनदेखी और दुर्व्यवहार किए जाने पर वो अपने संरक्षण और रखरखाव के लिए दावा कर सकते हैं। संशोधन बिल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रिश्तेदारों और परिजनों की परिभाषा को लेकर है, जिसे बुजुर्गों के हित में और व्यापक बनाया गया है। संशोधन बिल के अनुसार अब रिश्तेदारों और बच्चों की श्रेणी में बेटा और बेटी के अलावा बहू, दामाद, पोत्र, पोत्री और नाबालिग बच्चों के अभिभावक को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, नैसर्गिक बेटे बेटियों के अलावा गोद लिए गए और सौतेली संतानों को भी बच्चों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस कानून के तहत शिकायत होने पर कोई भी बुजुर्ग इंसान अपने रिश्तेदारों और परिजनों के खिलाफ ट्राइब्यूनल के में रख रखाव का आवेदन दे सकता है। सामान्य मामलों में ट्राइब्यूनल को 90 दिनों के भीतर अपना फैसला देना होगा, लेकिन अब आवेदक की उम्र 80 साल से ऊपर हो तो 60 दिनों में फैसला देना जरूरी बनाया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए केयर होम और वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी केंद्रों का पंजीकरण करना अनिवार्य बनाया गया है। सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में संशोधन करने का फैसला किया है। इससे जुड़े संशोधन विधेयक को दिसंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था।
जिसके बाद उसे समीक्षा के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया। अब स्थायी समिति ने भी बिल पर अपनी मोहर लगा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीर शहीद संदीप यादव के परिजनों शहीद की प्रतिमा के सामने बस शेल्टर ना बनाने के लिए धरने पर बैठे लोगों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में शहीद परिवार को न्याय दिलवाने के लिए समाज सेवी डॉक्टर विराट वीर यादव महाराणा प्रताप चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। लघु सचिवालय पहुंचकर डॉक्टर विराट वीर यादव व समाज सेवी संगठनों के लोग मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। इस पैदल मार्च में आसपास क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग व शहीद परिवार के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग शामिल होंगे। जानकारी देते हुए डॉक्टर विराट वीर यादव ने बताया कि पिछले दिनों शहीद संदीप यादव के परिजन अपने गांव डहीना में शहीद की प्रतिमा के सामने बस स्टैंड ना बनाए जाने की मांग करते हुए शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण धरना दे रहे शहीद के परिवारों पर अत्याचार करना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन द्वारा शहीद परिवार पर किए गए अत्याचार को लेकर पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। डॉक्टर विराट वीर यादव ने बताया कि शहीद हमारे देश का ताज होते हैं। शहीद किसी एक जाति या समुदाय के नहीं होते। शहीद की प्रतिमा के सामने बस शेल्टर बनाना शोभा नहीं देता। जिस शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी करते हुए अपने प्राण नौछावर कर दिए, आप उनके परिवार के लोग शहीद की प्रतिमा के सामने बस शेल्टर ना बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के तृतीय दिन के कार्यक्रम को दो सत्रों में बांटा गया, जिसके प्रथम सत्र में वाद विवाद प्रतियोगिता से प्रारंभ हुआ, जिसका विषय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आवेग बौद्धिक समृद्धि के लिए सौहार्दपूर्ण रहा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर सुरेश पिल्ला धनीरवाल व डोनी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में विभिन्न संकायों से 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें भौतिकी से राधिक ने प्रथम, रसायन से रोहित ने द्वितीय, जुलोसी से केशव व रसायन से सागर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस क्रम में द्वितीय सत्र की शुरुआत स्लोगन प्रतियोगिता से हुई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न संकायों से 14 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें पर्यावरण विज्ञान में मनीषा सैनी ने प्रथम, बायोटेक में ममता ने द्वितीय, वही बायोटेक से प्राची ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ साथ कल हुई ऑन सपोर्ट पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित हुए, जिसमें गणित से नेहा यादव ने प्रथम, भौतिकी से प्रियंका ने द्वितीय व बोटनी से रजनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी और उसके इसी तरह के प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर डॉक्टर सुरजीत डवास, डॉक्टर रश्मि पुंडीर, डॉक्टर सुनील कुमार फार्मेसी विभाग अध्यक्ष, डॉक्टर सुनील कुमार फिजिक्स तथा विभिन्न संकायों के अध्यापक उपस्थित रहे। वहीं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के दूसरे दिन के कार्यक्रम को दो सत्रों में बांटा गया। इसमें प्रथम सत्र में विभिन्न संकायों की टीमों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पीपलानी ने शिरकत की। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान टीम संख्या 7 बार केलियम, द्वितीय स्थान टीम संख्या 9 एस्टियम और तृतीय स्थान टीम संख्या 8 क्लिफोर्टम प्राप्त किया। डॉक्टर इंद्रजीत ने विजेता टीमों के विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके इसी तरह से प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी तथा भविष्य में सफल होने की भी कामना की। इसमें विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और क्रम में द्वितीय सत्र की ऑन सपोर्ट पोस्टर मेकिंग से शुरुआत की गई। इसमें विभिन्न संकायों ने विद्यार्थियों ने भाग लिया और इनोवेशन क्रिएटिविटी को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार फार्मेसी विभाग अध्यक्ष, डॉक्टर सुनील कुमार फिजिक्स से, डॉक्टर सविता
ने विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया तथा विभिन्न संकायों के अध्यापक उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 23 फरवरी 2021 को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के समाज कार्य विभाग तथा कैंसर रोग को समर्पित संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में कैंसर योग की रोकथाम तथा स्वस्थ जीवन शैली विषय पर एक द्विवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एवं संगोष्ठी विवि के माननीय कुलपति प्रोगणखंड के नेतृत्व व के एस ममता कामरा जी ने मार्गदर्शन पर चलाया गया। कुल सचिव महोदय प्रोफेसर प्रतिभागी और संजीवनी टीम का स्वागत किया और इस प्रकार के गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ उन्होंने विश्वविद्यालय एवं समुदाय में कैंसर से मुक्त बनाने का अभियान चलाने की अपील की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता रूबी आलूवालिया संस्थापक संजीवनी रहे। रूबी आलूवालिया ने बताया कि समय रहते कैंसर रोग की पहचान से तथा एक अच्छी सकारात्मक जीवन शैली से कैंसर रोग से बचा जा सकता है। उन्होंने कैंसर रोग के निदानात्मक उपायों के बारे में तथा कैंसर रोग के सामाजिक मानसिक और भावनात्मक प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि संजीवनी संस्था के द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम वेलनेस और रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम तथा कैंसर रोगियों की देखभाल हेतु सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जा रहे। इसके बाद संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर संस्था ने सैनिका ने सभी प्रतिभागियों को उनकी संस्था के द्वार के उद्देश्य संस्था के द्वारा पूर्व में कमाए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया। सैनिका ने कैंसर से बचने के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैंसर कारकों जैसे शराब एवं तंबाकू का सेवन सूखी अदरक से छोड़ा जा सकता है। तनाव से दूर रहें, मोटापे को कम करें और अच्छा खाना एवं पूरी निद्रा लें तो कैंसर से अवश्य बचा जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनू मदान ने कहा कि आज समाज के लोगों में जिस तरह की दिनचर्या है उसे अनेक समस्याएं अर्थात अनेक बीमारियां चलती हैं, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी भी शामिल है। गीति मल्होत्रा ने मंच का संचालन किया और समाज कार्य विभाग द्वारा वर्तमान में विभाग की उपलब्धियों तथा विभाग द्वारा किए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम को बारे में प्रतियोगी भागियों को अवगत कराया। इस ऑनलाइन संगोष्ठी में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें समाज कार्य, मनोविज्ञान, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्र से प्रोफेसर, विद्यार्थी, स्टाफ व समाज कार्यकर्ता रहे। अंत में संजीवनी हॉस्पिटल के द्वारा चलाए जा रहे कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0222258581 के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में एक क्विज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया और डॉक्टर अर्पणा, डॉक्टर स्वाति इस गतिविधि में मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोसली में आयोजित 3 दिवसीय बीएमपी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ युवा नेता निशांत यादव ने रिबन काटकर तथा शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाकर किया। इससे पूर्व स्टेडियम में पहुंचने पर आयोजन समिति के सनी, वरुण, अमन, संदीप, अजय, अंकित, ओम प्रकाश व गुड्डू प्रधान समेत अनेक युवाओं ने युवा नेता को फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह प्रदान कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर निशांत यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती खेल स्पर्धाओं का चलन सराहनीय है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाली खेल स्पर्धाएं ही बड़े मंचों की नींव तैयार करते हैं, इसलिए प्रतियोगिता चाहे छोटी हो या बड़ी, प्रत्येक खिलाड़ी को अपना 100% दमखम दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा आपस में भाईचारा बढ़ाने का भी कार्य करती है। उन्होंने आयोजन समिति को इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भी खेलों एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं, जिसका प्रत्येक खिलाड़ी को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज
आज समय बदल रहा है, इसलिए शिक्षा के साथ साथ युवाओं को खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। आज का युवा खेलों में अपना भविष्य तलाश रहा है। इस मौके पर उनके साथ इंजीनियर योगेश वर्मा समेत अनेक युवा मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की और क्षेत्र की अनेकों समस्याओं से अवगत करवाकर समाधान के लिए पत्र भी सौंपा। उन्होंने कोसली क्षेत्र की 4 नई पंचायतों के गठन के लिए सरकार का आभार भी जताया। इस अवसर पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कोसली क्षेत्र किसी पंचायती समेत विभिन्न विभागों से संबंधित मांगों को रखा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि क्रमबद्ध तरीके से सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा तथा विकास के मामले में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि जिला रेवाड़ी में 7 नई पंचायतों का गठन किया गया है। इसमें 4 पंचायतें उनके कोसली विधानसभा क्षेत्र की है, जिसमें खोलखंड की श्रीनगर, ढांडी राधा, डहीना मंडल की ढांडी जरावत तथा जाटूसाना मंडल की मलियाकी शामिल है। उन्होंने बताया कि नई पंचायतों का गठन होने के उपरांत इन गांवों के विकास में तेजी आएगी तथा ग्रामीणों को अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि कोसली क्षेत्र के विकास को प्रदेश सरकार तथा वह स्वयं कृत संकल्प है। उधर कोसली विधानसभा क्षेत्र की 4 संयुक्त ग्राम पंचायतों को अलग किए जाने पर हल्का कोसली के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तथा कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का आभार जताया है। सभार, डेली हंट, डेली होम, लक्ष्मण सिंह यादव, डॉक्टर विराट वीर यादव, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, धन्यवाद, दी डॉन एक्सप्रेस।